नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई की जमीन पे बसी ये हरडिलिया कंपनी वादे तो बहुत किए थे स्थानिकों के, तमाम प्रश्नों को सुलझाया जाएगा, नौकरी में प्रधानता दी जाएगी, मगर जो वादे किए थे वो आज तक कागजों में ही रहे हैं। और इसी के विरोध में पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल कुक्षेत गांव के ग्रामस्थों को न्याय दिलवाने के लिए ये गए 4 दिन से यहाँ पे उपोषण पे बैठे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि क्या टस से मस हुई है हरडिलिया कंपनी के लोग? 4 दिन हो गए, आज 14th दिन है उपोषण का। हरडिलिया मीन्स एसआई ग्रुप के मैनेजमेंट को अभी तक हमारी आवाज़ कान तक पहुँची नहीं है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि ग्लोबल में पहुँचा हुआ मेल, बातचीत चल रही है। शाम सूरज ढलने से पहले मैनेजमेंट हमसे मीटिंग करना चाहती है, तो निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई जारी है। मीटिंग करके माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो फिर हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। 10 साल हो गए मुझे कॉरपोरेटर का पोस्ट ये लोगों ने दिया है। जो गांव है उसके मिट्टी के प्रति कर्तव्य होता है, जहाँ जन्म हुआ है उसको कुछ देना भी अपना कर्तव्य है। ये अगर मैं आज अपनी सोचूं तो फिर भविष्य की कौन सोचेगा? अगर आज ये लड़ाई जीत जाता हूँ तो कुक्षेत्र के युवकों का भविष्य उजागर होगा। तो इसी सोच के साथ खुद का हर कोई सोचता है, तो ये कुक्षेत्र ग्रामस्थों का सोच के आज लड़ रहा हूँ। निश्चित तौर पे ऊपर वाला साथ है इन सभी के माध्यम से, और इतने लोगों का आशीर्वाद है तो निश्चित मुझे कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि जब लोगों के पीछे जब ऐसा समर्थन हो, हुजूम हो, तो संघर्ष अपने परवान तक पहुंचता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। हर संघर्षों में सूरज पाटिल के साथ गणेश नाइक का हमेशा से ही साथ रहा है। दादा आए थे, दादा के साथ आपका चर्चा हुआ, क्या कहा दादा ने? दादा हमेशा सही अच्छे राह पे चलने वाले के पीछे खड़े रहते। यकीनन आज तक मेरा जो प्रवास रहा है वो दादा के आशीर्वाद से ही चला है। बामर लौड़ी की लड़ाई हो, जहाँ पे 20 युवकों को रोज़गार मिला, कुक्षेत का पुनर्वसन हो, जो सामाजिक सुविधा आज खड़ी हो रही है, और ये एसआई ग्रुप की लड़ाई हो, यहाँ पे भी दादा कल मेरी हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए आए और उन्होंने कहा कल सुबह फ़ोन लग जाएगा और तुझे मैसेज आ जाएगा मीटिंग के लिए। और वैसा ही हुआ है कि हम हमेशा बोलते हमारे लिए विघ्नहर्ता बन के आते हैं दादा, तो कल दादा के आने से 14th दिन आज उनके मीटिंग के माध्यम से शायद कुछ पहल हो रही है। अभी ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप जी नाइक साहब भी आके गए, पहले दिन संजीव नाइक साहब आके गए, दूसरे दिन सागर नाइक साहब आके गए, तीसरे दिन दादा आके गए, चौथे दिन संदीप नाइक साहब है। निश्चित तौर पे नाइक कुटुंब का यही प्यार हमें उनकी ओर आकर्षित करता है, और कार्यकर्ता तौर पे जो एक स्वाभिमान है वो उजागर करने के लिए हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है। जिएंगे और मरेंगे, कुक्षेत ग्रामस्थों को न्याय दिलवा कर रहेंगे, ये तो देखिए आखिरी बात भी वही है, पहली बात भी वही है। हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, हम किसी का हक छीनने नहीं आए, हम हमारा न्यायिक अधिकार लेने आए हैं। अगर हम गलत है तो प्रशासन कंपनी हमें बताए कि ये गलत है, और हम गलत नहीं है तो फिर हमारा अधिकार देके ही हम लोग लेके ही यहाँ से उठेंगे। मैं आज भी खुद को गांव का एक युवक मानता हूँ और गणेश नायक साहब का एक कार्यकर्ता मानता हूँ। चाहे मैं सभापति बना, चाहे मैं नगर सेवक बना, चाहे मैं जिलाध्यक्ष बना, पर आज भी मैं वहीं पे हूँ जहाँ से शुरू किया था। कुक्षेत मेरा अस्तित्व है, कुक्षेत मेरा खून में रग रग में बसा हुआ है, और कुक्षेत ऐसी चीज़ है जहाँ से मैं बाप दादाओं का घरदार छोड़ के दूसरे जगह गया हूँ। तो निश्चित तौर पे कुक्षेत वासियों को न्याय दिलाना मेरा जीवन का परम धर्म है। मेरा गांव जहाँ से उठाया है, अलग जगह बसाया, जो मेरी ज़मीन है आज भी वो वैसी बिखरी पड़ी है। वहाँ पे कुक्षेत गांव के फ्यूचर के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए रोज़गार मिले, ये लड़ाई अगर मैं जीतता हूँ तो निश्चित तौर पे कुक्षेत में जन्म लेके कुक्षेत का कर्ज फेरने के लिए वहाँ पे मैं कोशिश में सफल होता हूँ। कुक्षेत गांव का जो कर्ज चुकाना है और यहाँ पर संघर्षों को करके सफलता को हासिल करना है। कैमरामैन दिनेश के साथ अर्चना त्रिपाठी, नवी मुंबई नेटवर्क।